मेरा नाम ऊषा सक्सेना है। मैं आगरा से आई हूँ। मेरे बच्चे का नाम अनंत सक्सेना है। वो पहले इसका जन्म हुआ था, इसका जन्म 20 सितंबर 2004 में हुआ था। ये ना बैठ पाता था, ना करवट ले पाता था, कुछ भी नहीं कर पाता था। धीरे धीरे हमने इसकी थेरेपी कराई थी वहाँ पर आगरे में, तब तो ये धीरे धीरे बैठने लगा। 1 साल के अंदर बैठा ये, और बैठने के बाद फिर ये चल नहीं पाता था। पैर घुटना टेढ़ा करके मेढक की तरह चलता था। हम बहुत परेशान थे, ऐसे कहीं न बैठ पाता है, न बैलेंस बना पा रहा है, क्या करें। धीरे धीरे बड़ा होता गया, कोई दिल्ली दिखाया हमने इसको, आगरा में वहाँ पर दिखाया, जयपुर दिखाया, उदयपुर दिखाया। उदयपुर में 3 साल ऑपरेशन बोल दिया है, जयपुर में भी ऑपरेशन बोल दिया था, पर हमारा समझ में नहीं आ रहा था। बहुत परेशान रहने का, छोटे से बच्चे का ऑपरेशन करा करके हम परेशान हो जाएंगे। अभी ऑपरेशन कराते हैं, फिर उसके बाद फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा बड़े होने के बाद। हमने ऑपरेशन नहीं कराया, हमने वहाँ से पता लगाया पहले कि वहाँ पर ऑपरेशन जो होते हैं वो कैसे होते हैं। वहाँ पता चला कि वहाँ पर जो ऑपरेशन होते हैं उससे बच्चा ठीक नहीं हुआ, चल नहीं पाया है। हमने उसका ऑपरेशन नहीं कराया, फिर उसके बाद डॉक्टर जैन गए आगरा। डॉक्टर जैन आगरा आए तो फिर हमने इसका अपने विश्वास सा हो गया कुछ अंदर से कि इनके हाथ से शायद बच्चा ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला था, तो हम इलाहाबाद इसको ऑपरेशन कराने के लिए आए। ऑपरेशन कराने के बाद फिर हम इसको ले गए। उन्होंने भी बोल दिया था कि ले जाओ थेरेपी करा लेना। अब ये नहीं मालूम था कि थेरेपी जो है कैसी करेगा। वो जो थेरेपी कर रहा था वो डॉक्टर अपने आप को डॉक्टर ही कहा करता था। तो हमने कहा चलो डॉक्टर है तो थेरेपी करा लेते हैं। मैंने थेरेपी करा ली इससे। अब 2 महीने से थेरेपी कराने के बाद डॉक्टर सामने हमको फोन करके बुलाया कि हमें दिखा जाओ कैसी थेरेपी हो रही है। जब उन्होंने हम लेकर आए इसके बच्चे को इलाहाबाद, तो पता चला कि थेरेपी तो बहुत बेकार हो रही है, और ये कोई अनाड़ी भी अच्छी थेरेपी कर सकता था। ये कैसी थेरेपी कराई है हमने। उन्होंने हमें बहुत डांट लगाई। फिर हम उसके बाद सीधे इलाहाबाद लेकर के इसको चले आए, और यहाँ आकर के हमने इसको 6-7 महीने इसका इलाज कराया, थेरेपी कराई। तो अब हमारा बच्चा बहुत हो गया है, चलने फिरने लगा है, थोड़ा सा बैलेंस बनाने लगा है, सारे काम अपने आप करने लगा है। थोड़ा सा मतलब पहले से हमें बहुत बड़ी खुशी हुई कि ये बैलेंस बनाने लगा। हम सपने में भी नहीं सोचा था कि ये इस तरह से खड़ा हो जाएगा, बैलेंस बनाएगा, कभी भी नहीं सोचा था। ये तो डॉक्टर जैन का आभारी है बहुत ज्यादा, उन्होंने हमें इतना अच्छा कर दिया इसको कि हम सपने में नहीं सोच पा रहे हैं इसके बारे में कि हमारा बच्चा इतना अच्छा हो जाएगा। मेरा नाम अनंत सक्सेना है। मैं आगरा से आया हूँ। मैं 5वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा जन्म 20 सितंबर 2004 में हुआ था। जब मेरा जन्म हुआ था तो मैं चल नहीं पाता था, मेंढक की तरह चलता था, मेरे पैर पूरी तरह मुड़ चुके थे। और जैसे जैसे बड़ा होता गया मेरी कंडीशन और ख़राब होती गई। हमने यहाँ पे 4-5 महीने की थेरेपी कराई, उसके बाद मैं इलाहाबाद आके थेरेपी कराई। उसके बाद फिर मैं बैलेंस बना के चल लेता हूँ, और स्टिक पे चल लेता हूँ, घोड़ा बन के चल लेता हूँ, और आप भी ठीक होंगे।